top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को होम कर देते हैं अपने लक्ष्यों की तरफ और इस बार ग्रामीण पत्रकारिता के लिए हमने चुना है विवेक श्रीवास्तव जी को जो कि इस समय हिंदुस्तान समाचार एजेंसी में काम कर रहे हैं. आप पिछले 5 वर्षों में आप राजस्थान के बाड़मेर जनपद में थे, आप राजस्थान पत्रिका के साथ काम कर रहे थे और इस समय आप हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के साथ राष्ट्रीय संस्थान और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच कवर कर रहे हैं. आपने हमेशा राष्ट्रवाद के साथ सकारात्मक रूप से आम जन के पक्ष को भी रखने का प्रयास किया है और आप करते रहेंगे ऐसा आपका मानना है. निर्देश के अलावा सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी किया है. आपने सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और भारत की सभी बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स को फोटो डॉक्यूमेंट करने का भी महत्वपूर्ण काम किया है. सोशल मीडिया के तहत आपकी सक्रियता राष्ट्र और इससे जुड़े मुद्दों पर होती है. आपने कई जन आंदोलनों में भाग लिया है, चाहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हो, निर्भया को इंसाफ दिलाने की लड़ाई हो, जेएनयू में राष्ट्र विरोधियों को का सच सामने लाना हो या फिर एनआईटी श्रीनगर के. इस समय आप womeniaworld.com के नाम से पोर्टल के आप एडिटर हैं और आपने किताब लिखी है जिसका नाम है एसिड वाली लड़की, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स की सच्ची कहानियों पर आधारित है. आप केवल पत्रकार ही नहीं, आप पत्रकारिता के इंसाइक्लोपीडिया माने जा सकते हैं. आप 2 बार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य रहे हैं, आप नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष और जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन भी रहे हैं. पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए आपने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं जिन्होंने पुरस्कार पाए हैं. आप राष्ट्रपति के द्वारा भी गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान सम्मानित हो चुके हैं और मुझे ये कहते हुए बड़ा खुशी महसूस होती है कि इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र ने इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए केवल स्मृति चिन्ह और बाकी चीजों का ही नहीं बल्कि अपने भरपूर प्रयास से 1 लाख. वर्तमान जो हालात है समाज के देश के उनसे आप परिचित हैं और कई बार जब समाज में निराशा होती है तो हमें दिशा की जरूरत होती है, सही दिशा की जरूरत और ये वही दिशा है. अशोक सचदेवा जी, सचिव बागीश जी एवं आज के इस कार्यक्रम में जिन पत्रकारों के विशेष सम्मान से ये कार्यक्रम सम्मानित हुआ है, ऐसे सभी सम्मान प्राप्त पत्रकार बंधु बहने और अन्य सभी उपस्थित विद्वान भाइयों बहनों, नारा जयंती का कार्यक्रम पिछले 10-11 वर्षों से सतत चल रहा है. आज से 10 वर्ष पहले जब आज के इस डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया इस युग में यह प्रारंभ हुआ था तो उस समय पहली बार जिसने भी सुना था उसकी भौहें बहुत बार तनी थी. अनुभव मुझे ऐसा हुआ कि 4-5 वर्ष पहले महाराष्ट्र में एक स्थान पर यह कार्यक्रम पहली बार हुआ था, वह मुझे जाने का मौका मिला था. उस कार्यक्रम के वहां के एक अच्छे विद्वान व्यक्ति कार्यक्रम में अध्यक्ष के नाते थे तो उनके साथ थोड़ा चाय पर चर्चा हो रही थी. पहले थोड़ा थोड़ा संघ को जानते भी थे तो बात करते करते कहने लगे आप संघ के लोग बहुत चतुर हैं. मैंने उनसे पूछा कि क्या बात, उनने कहा आप पता नहीं कहां से खोज खोज के लाते हैं. उनने कहा कि जर्नलिज्म हमने भी सुना होगा, जिस समय हमने प्रारंभ में वो वृत्त चित्र देखा तो पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, जर्मनी में कब हुआ, भारत में कब हुआ, भारतीय भाषा में कब हुआ, तो ये जब देख रहे थे तो उस सारे के बाद फिर हमने सुना कि देवऋषि नारद भारत दुनिया में सर्वप्रथम पत्रकार, आदि पत्रकार, इस रूप में हमने उनको स्वीकार ये किया.
तो उन्होंने कहा कि आप लोग हैं बहुत कमाल के, हर चीज के लिए कोई ना कोई एक प्रतीक आप ढूंढ लेते हैं। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, मैंने मन में एक सवाल आया कि देवऋषि नारद की खोज संग ने की क्या? इस रूप में हमने उनको पहली बार देखा क्या? ये बात मेरे मन में तुरंत है। उस कार्यक्रम में जाने से पहले थोड़ा सा मैंने भी नारद जी के बारे में जानने का प्रयास किया था, जितनी जानकारी सबकी है उतनी हमारी भी थी। मैं बहुत बार कहता हूं जिस विस्मृति का सब शिकार है हम भी उन्हीं में से हैं, लेकिन जब उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास हो रहा तो ध्यान में आया कि ये जो लोगों के मन के अंदर आता है कि जो चीज भारतीयता से जुड़ती है, देश से जुड़ती है, अतीत से जुड़ती है, उसको संघ के जिम्मे छोड़ने की कोशिश होती है, और ऐसा लगता है कि संघ यानी, और उसको लेकर कभी कभी उनके मन में रहता भी है। आज से 21 साल पहले की बात है, नए वर्ष का पहला दिन था, तो मैं